हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है फूड, और उससे रिलेटेड और कुछ डिस्कस करेंगे फूड से रिलेटेड, कि फूड के फंक्शन क्या क्या होते हैं और फूड के बारे में और भी कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट कर लेते हैं वो टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि फूड, फर्स्ट तो ये है कि फूड क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फूड, और सेकेंड नंबर पर फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ फूड। पहला टॉपिक फूड, सेकेंड टॉपिक फंक्शंस ऑफ फूड, और उसके बाद हम देखेंगे कि फूड के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो सोर्सेस ऑफ फूड भी हम यहां पर राइट किए ले रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फूड, फूड फंक्शंस ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, और फिर फूड हैबिट के बेस पर जो एनिमल्स के टाइप होते हैं, एनिमल्स को जो कैटेगराइज किया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पर राइट किए दे रहे हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर फूड से कि फूड क्या होता है, फूड क्या होता है। तो एक्चुअली फूड बहुत सारे सब्सटेंस का वो कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या हमारे लिविंग में, हमारी लाइफ में हेल्प करता है हमें जिंदा रहने में। मतलब फूड बहुत सारे सब्सटेंस का वो कॉम्बिनेशन जो कि हमारे नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होता है, हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसी को हम फूड कहते हैं। तो हम यहाँ पर राइट किए दे रहे हैं कि फूड क्या होता है। तो फूड का मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन जो कि हम लोग खाते हैं, ईटन फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। यहां पर हम राइट किए दे रहे हैं नरिशमेंट एंड लिविंग, मतलब ये कि फूड बहुत सारे सब्सटेंस का वो कॉम्बिनेशन होता है जो हम नरिशमेंट के लिए यूज करते हैं, जो हम नरिशमेंट के लिए खाते हैं और जिंदा रहने के लिए खाते हैं। और अगर फूड को देखा जाए तो ये हम रॉ भी खा सकते हैं, बहुत सारे फूड हैं जो कि रॉ यूज किए जाते हैं, बहुत सारे फूड हैं जो कुक्ड यूज किए जाते हैं। तो बहुत सारे फूड रॉ भी हो सकते हैं, रॉ, और बहुत सारे फूड कुक्ड भी हो सकते हैं, रॉ भी हो सकते हैं, कुक्ड भी हो सकते हैं फूड, और ये प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फूड क्या होता है। अब हम सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ फूड, कि फूड के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फूड के जो मेन फंक्शंस हैं वो, सबसे पहली बात तो ये है कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात तो ये कि फूड हमें बहुत सारे हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं, चाहे वो इंटरनल फंक्शन हो जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, और चाहे बाहर के फंक्शन हो, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर राइट कर लेते हैं प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, और किस लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ऑफ द बॉडी कर देते हैं, हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी कर देते हैं। तो सबसे पहला काम फूड का क्या है कि वो हमारी बॉडी को बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी एक्टिविटीज इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल का मतलब ये है कि जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट चलता है, हमारा हार्ट बीट करता है, तो इसी तरह से जो इंटरनल फंक्शन है, या हम ब्रेन से अंदर से जो कुछ काम करते हैं, लर्न करने का, पढ़ने का, सोचने का, कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी, या बाहर से जो एक्सटर्नल होता है कि हम अपने हाथ से कोई चीज़ उठाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, या हमारे जो टिश्यूज़ हैं डैमेज हो जाते हैं तो उनमें उनको फिर रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो सेकंड क्या है यहां पर हम राइट किए दे रहे हैं, हेल्प द बॉडी, हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स।
डैमेज सेल्स या टिश्यूज जो भी कहिए। तो पॉइंट नंबर वन ये हो गया कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, पॉइंट नंबर टू ये हो गया कि हमारी बॉडी को के जो को ग्रो कराने में हेल्प करता है और उसके जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको फिर रिपेयर करने में हेल्प करता है, रिप्लेस करने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या कौन करता है, ये फूड से हमें हेल्प मिलती है। तो ये फंक्शन ऑफ फूड। और थर्ड जो फंक्शन है ये क्या है, ये हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। और ये भी लिख देते हैं कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और कीप इट फिट या हेल्दी, जो भी कहिए फिट एंड हेल्दी कर लीजिए। तो पॉइंट नंबर थ्री हो गया कि हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि जो जिसको हम डिफिशेंसी डिजीज कहते हैं, जो कि हमारी फूड में अगर कुछ कमी होती है तो उससे हमें बीमारी हो जाती है। कुछ ये होता है कि बाहर से कुछ बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स अटैक करते हैं, तो उनके लिए भी हमारा फूड उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प, उनसे फाइट करने में हमारी जो WBC है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, उसको हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा और फिर उससे हम जो है बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनसे जो वो जो अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी उनसे ठीक से फाइट नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करती है ये फूड, हमारे प्रोटेक्ट करता है। तो नंबर एक ये हो गया कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, नंबर टू ये हो गया कि हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, और नंबर थ्री हो गया कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ये फंक्शंस ऑफ फूड हो गए, फूड फंक्शंस ऑफ फूड। अब हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या क्या है। तो सोर्सेज ऑफ फूड में हम जानते हैं कि जो फूड के मेन सोर्सेज हैं वो प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल्स जो हमारे फूड के मेन सोर्सेज होते हैं, वो एक तो प्लांट होते हैं और एक एनिमल्स होते हैं। प्लांट हम जानते हैं कि जो सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब प्लांट से मिलते हैं, वीट है, राइस है, जो हम जिससे जो चावल और रोटी और ये सब जो भी होता है, जो हरी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट हैं, ये सब प्लांट से हमें मिलते हैं। और एनिमल्स से जो मिलते हैं, एनिमल्स से जैसे मिल्क हमें मिलता है या हनी हमें मिलता है, ये सब एनिमल्स से मिलता है। मिल्क या बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट या मीट, ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो सोर्सेज ऑफ फूड मेनली टू हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्लांट्स से हमने देखा कि क्या क्या मिलते हैं और एनिमल्स से क्या क्या मिलते हैं। और एक तीसरा सोर्स वो भी है, लेकिन मेन सोर्स तो मेरा यही है। जैसे कि हम देखते हैं साल्ट, तो साल्ट तो ना तो हम प्लांट का यूज करते हैं ना एनिमल का यूज करते हैं, या वाटर, तो ये सब हमें कहां से मिलता है, ये सब हमें अर्थ से मिलता है, ये प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। लेकिन जो फूड के मेन टू सोर्सेज वो प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है कि क्या प्लांट प्रोडक्ट है और क्या एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे सीधे फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। तो फूड हैबिट्स जो एनिमल्स के हैं, मतलब ये कि एनिमल्स को उनके खाने की हैबिट के बेस पे किन किन कैटेगरी में अलग अलग रखा गया है। तो जो मेन कैटेगरीज हैं वो एक तो ये है कि हर्बीवोरस, नंबर वन क्या है, हर्बीवोर्स हो गया, हर्बी नंबर टू, नंबर टू हो गया कार्निवोर्स, नंबर टू हो गया कार्निवोर्स, नंबर थ्री हो गया ओमनी, ओमनीवोर्स, नंबर थ्री हो गया ओमनीवोर्स। ये थ्री मेन कैटेगरीज हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स इसमें आएंगे जो एनिमल्स सिर्फ हर्ब को खाते हैं, मतलब ये कि जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, जो किसी अदर एनिमल्स को नहीं खाते हैं, वो क्या होते हैं हर्बीवोर्स, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, ये सब क्या, ये सिर्फ हर्ब को खाते हैं, तो इनको हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है। और उसके बाद आया कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स इसके जस्ट अपोजिट, की वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कार्निवोर्स एनिमल्स कहा जाता है। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हो गए जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, और कार्निवोर्स वो एनिमल्स हो गए जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए। अब थर्ड आ गया ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में क्या होगा, ओमनीवोर्स में ये दोनों को खाएंगे, प्लांट को भी और एनिमल को भी, प्लांट को भी खाएंगे और अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाएंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। ये ह्यूमन बींग है, इंसान है, ये इसी में से आता है। बियर, भालू, क्रो, ये सब क्या आते हैं, ये ओमनीवोर्स में से आते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं और जो
प्लांट प्रोडक्ट हैं वो भी खाते हैं, तो ये ओमनीवोर्स में से आ गए। और ओमनीवोर्स में से ही आता है एक ग्रुप जिसको हम स्केवेंजर्स कहते हैं, स्केवेंजर्स, जिसको हम स्केवेंजर्स कहते हैं। स्केवेंजर्स ये ओमनीवोर्स का ही एक ग्रुप है। स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो जो स्केवेंजर्स होते हैं वो जा करके उनको खा लेते हैं, तो उनको खा लेते हैं तो फिर वो जगह साफ रहती है, वहां पर ऐसा नहीं होता कि वो जगह वो एनिमल्स सड़े फिर उनकी बदबू दूर तक के फैले। तो ऐसे एनिमल्स जो कि अदर एनिमल्स को, जो अदर डेड एनिमल्स को खा लेते हैं, या बहुत सारे एनिमल्स हैं कार्निवोर्स एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको जितना खाना हुआ खाया और छोड़ के चले गए, तो वो जो बचा हुआ होता है उसको खा लेते हैं। कौन से? ये स्केवेंजर्स खा लेते हैं। जैसे वल्चर, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या जैकाल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या क्रो भी, ये स्केवेंजर्स में से आते हैं। हम यहाँ पर राइट किए दे रहे हैं कुछ नेम, जैसे हमने पहला कहा था कि वल्चर, वल्चर्स और जैकाल, जैकाल्स हो गए, क्रो, क्रो भी ये स्केवेंजर का एग्जाम्पल है। तो स्केवेंजर आता ही ओमनीवोरस में से है। अब एक और बचा जो पैरासाइट जिसको हम लोग कहते हैं, एक ग्रुप और यहीं पर देख लेते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो ग्रुप है जो कि फूड के लिए पूरी तरह से अदर एनिमल्स पर डिपेंड करता है। अब ये एनिमल क्या है, ये फूड लेते हैं और फिर उसके बाद खुद उसको डाइजेस्ट करते हैं, इनकी बॉडी डाइजेस्ट करती है, लेकिन ये ऐसा करते हैं कि दूसरी बॉडी से डाइजेस्टेड फूड ही, मतलब फूड मटेरियल ही पूरा पूरा लेते हैं, इनको अंदर अपने उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना या इस तरह की जरूरत नहीं होती। ये खुद कुछ नहीं करते, अदर एनिमल्स पर रहते हैं और फिर उन्हीं से अदर एनिमल्स या प्लांट, हर तरह के पैरासाइट होते हैं और बहुत सारे पैरासाइट तो प्लांट भी होते हैं। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स से फूड ले लेते हैं, तो उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। पैरासाइट्स भी पार्शियल पैरासाइट भी होते हैं और कंप्लीट पैरासाइट भी होते हैं। जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं वो कुछ काम तो खुद भी करते हैं फूड डाइजेशन से रिलेटेड, लेकिन जो फुल पैरासाइट होते हैं वो तो पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड ही लेते हैं। जैसे टेप वॉर्म होता है जो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, वो क्या करते हैं कि वो डाइजेस्टेड फूड हमारा लेते हैं और फिर उसके बाद उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स या अदर प्लांट्स पे रहते हैं और फिर वो पूरा का पूरा फूड ही ऐसे का ऐसे लेते हैं और उनको अपना अलग से फूड ले करके फिर उसको खाने की जरूरत नहीं होती कि उसको खाएं और फिर उसको डाइजेस्ट करें। तो ये हो गया फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के बेस पे किन कैटेगरी में रखा गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट। हर्बीवोर्स जो सिर्फ हर्ब को खाएं, कार्निवोर्स जो सिर्फ अदर एनिमल्स का फ्लैश खाएं, ओमनीवोर्स जो दोनों को खाएं, और पैरासाइट्स जो कि फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करें। तो ये इतने टॉपिक हमने इस में डिस्कस किया। अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।